हेलो, ये मैं बहुत दिन बाद फुल वीडियो डिटेल वीडियो बना रही हूँ। यहाँ आपको बहुत अच्छे डोर्स टाइप की कुकीज बनाने मिलेगी। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बटर लिया है, वो भी सॉफ्ट बटर है, मतलब रूम टेम्परेचर पे बटर है, और 50 ग्राम शुगर लिया है, और उसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पे बटर है, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिए जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए। और इस बात का ध्यान रखिए मिक्स करते समय कि जो येलो कलर है ना वो नहीं होना चाहिए, वो व्हाइट हो जाना चाहिए। वो कलर अपने आप लाइट हो जाएगा आप जैसे मिक्स करना चालू करेंगे। देखिए मिक्स करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा डिफरेंस, तो इसका मतलब शुगर मेल्ट हो चुकी है आपकी, और आप इस बेस के साथ बहुत सी कुकीज बना सकते हैं। यहाँ पर फिर मैंने मैदा को 130 ग्राम मैदा है उसको अच्छे से छान ली और अच्छे से उसमें मिक्स कर ली, और हाथ के मदद से एक सॉफ्ट डो रेडी कर ली, और ये मैं एक मैदा का मिक्सचर तैयार हो जाएगा जो कुकीज का एज अ बेस आपके लिए वर्क करेगा। और मिक्स उसको अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, उस पे जब स्टिकीनेस खत्म हो जाएगी तो मतलब आपका डो रेडी है। एक सॉफ्ट डो रेडी होने के बाद इसके 4 पोर्शन डिवाइड कर ली मैंने, और एक पोर्शन में मैंने टूटी फ्रूटी ऐड करी, और उसको अच्छे से सिलेंडर शेप देके बटर पेपर में रैप करके थोड़ी देर, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स का इनफ है, उसको फ्रिज में रख दी। आप इजीली रोल करके उसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड कुकीज के लिए। मैंने यहाँ पर बाकी जो 3 पोर्शन थे एक एक पोर्शन ली, और तीसरे पोर्शन का हाफ हाफ, उसके बस 2 पोर्शन की, और एक में कोको पाउडर मिक्स कर ली और एक वैसे ही सिंपल सा रहने दी, और दोनों को रोटी की तरह 2 बटर पेपर के बीच में रख के रोल आउट कर ली। इस तरीके से अपने पास एक प्लेन व्हाइट कलर की रोटी रेडी हो गई और एक कोको पाउडर वाली ब्राउन कलर की। अब उसको एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने अच्छे से एक और बार रोल कर ली ताकि वो एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाए, और फिर बटर पेपर एक साइड का निकाल के उसको दूसरी बटर जो नीचे रखा हुआ था उसकी मदद से उसको टाइट फोल्ड शेप देने की कोशिश की मैंने। ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा संभल के धीरे धीरे कीजिएगा, बहुत इजी लग जाएगा आपको, बहुत इजीली आप इसको फोल्ड करके निकाल सकते हैं। और ऐसे ही फोल्ड करके थोड़ा अच्छे से टाइट करिएगा ताकि वो बीच में गैप ना रह जाए, और इसको भी फोल्ड करके थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। यहाँ मैंने थोड़े साइड्स कट करके निकाल के और अच्छे से उसको टाइट शेप देने की कोशिश करके रख दी थोड़ी देर फ्रिज में ताकि ये भी थोड़ा शेप देने के लायक हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला टूटी फ्रूटी वाला निकाली, इसको कट की, ये कट करने पे इसमें टूटी फ्रूटी है इसकी वजह से वो डायरेक्टली कट नहीं होगा, आपको कट करने के बाद हल्का सा अपने हाथों की मदद से शेप देना ही पड़ेगा। और एक बार शेप देने के बाद एक बटर पेपर पे रख के आप ट्रे ले सकते हो, बटर पेपर ले सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, चाहे ट्रे चाहे बटर पेपर, दोनों लेके आप 170 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए, और कोशिश करिएगा कि तुरंत बेक जैसे ही हो गया तुरंत निकाल के बाहर रख लिए उसको ठंडा होने के लिए, तो वो क्रंची बनेगा आपका। नहीं तो ये गलती मेरे से भी पहले हो चुकी है कि वो अगर आप तुरंत सोचोगे कड़क हो जाएगा तो नहीं होगा, तो ये गलती नहीं करना है। और यहाँ पर दूसरी वाली कुकीज मैंने रेडी कर ली, फ्रिज से निकाल के कट करके उसको अच्छे से प्लेस करके सेम 170 डिग्री पे 15 मिनट्स तक के लिए बेक कर लें। और भी रेसिपी के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझे बताइए नेक्स्ट रेसिपी में कौन सा बनाऊं, और आपकी अमेजिंग 2 टाइप की कुकीज रेडी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।